माई शारदा के अनन्य भक्त वीर आल्हा की कहानी और असाधारण भक्ति के किस्से तो हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन मैहर में माँ शारदा के मंदिर से कुछ ही दूर में स्थित आल्हा अखाड़े के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। मान्यता है कि इसी अखाड़े में आल्हा दंगल खेलते हैं और अखाड़े के समीप बने तालाब में स्नान करके माँ शारदा की आराधना प्रातःकाल सबसे पहले करते हैं। माँ शारदा के त्रिकूट पर्वत से नीचे 1 किलोमीटर दूर पीछे की ओर एक अखाड़ा मौजूद है जिसे आल्हा अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहीं 200 मीटर की दूरी पर 2 से 3 मंदिरों का समूह है और एक तालाब है जिसे आल्हा के तालाब के नाम से जाना जाता है और यहीं आल्हा का मंदिर बनाया गया है। मान्यता है आल्हा अमर हैं और इसी अखाड़े में प्रतिदिन दंगल खेलते हैं और समीप के तालाब में स्नान ध्यान के बाद यहीं से माँ शारदा की पूजा करने के लिए जाते हैं। ये आल्हा जो हैं ये महोबा के राजा हैं और इनने बाणगढ़ की लड़ाई लड़ी है। माई शारदा को इनने अपना बलिदान दिया है। यहाँ जी माई की पूजा करते हैं। ये आल्हा जी महाराज हैं, इनके तलवार रखा हुआ है, चिमटा रखा हुआ है, ये खड़ा हुए हैं। ये माई शारदा हैं, हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं। बगल में शिव जी मंदिर है, अखंड ज्योति है। इसके पीछे तालाब है, तालाब से नहा के स्नान करके वो माई की सेवा करने जाते थे आल्हा जी। आल्हा अखाड़ा जो है, पहले अखाड़ा खेलते थे लोग, जैसे दाव जो अभी आज क्या बोलते हैं जिम, ऐसा इनके जोधा वीर जो साथ में रहते थे वो सब अखाड़ा खेलते थे। अखाड़ा गर्म होकर अपना दाव करके फिर आते थे या स्नान करके और फिर माई की सेवा करने जाते थे। तालाब में स्नान करते थे वो अखाड़ा खेल के। माई के लिए माई ने कोई इनको अमर होने का वरदान दिया था और ये कहा था कि कलयुग में हमारी सेवा सबसे पहले आप करेंगे, तो पहला पूजा इन्हीं का होता है। आज भी ऐसे कुछ वहाँ मिलते हैं चिन्ह, कोई फूल मिल गया, मंदिर धुला हुआ फूल उल चढ़े उड़े सब ऐसा बताते वहाँ पुजारी। और यहाँ जैसे कोई आवास होता है कुछ ऐसा, उनका कुछ ना कुछ होता रहता है। आल्हा अखाड़े के पंडित राम स्वरूप ने बताया कि यहाँ स्थित गुफा में कई वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है। माना जाता है कि इस अखंड ज्योति को भक्तराज आल्हा ने जलाया था, जिसके बाद से अब तक यहाँ के पुजारी और महंत इसकी देख रेख रख रखाव करते आ रहे हैं। पंडित जी ने बताया कि 300 वर्षों तक की जानकारी मुझे ही पता है कि कौन कौन पुजारी इसे अखंड रूप से जलाते रहने के लिए यहीं पर तपस्या की है और जलाए रखा है। मान्यता है कि इस ज्योति और आल्हा अखाड़े में आकर इसके दर्शन से भक्त वात्सल आल्हा की भक्ति साधना की प्रेरणा और माई का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ जो भी व्यक्ति आता है और मनोकामना मांगता है उसकी सब संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये अखंड ज्योति है और इसको महाराज जी बता रहे हैं कि हमारे से पहले के जो महाराज जी थे वो भी ऐसी ज्योति देखते आ रहे हैं। इसको आल्हा जी के हाथों से जलाया जाता है। आल्हा जी यहाँ अपना भजन साधना में बैठते थे और मैया के सामने अपना ज्योति जला करके, तो जब यहाँ सबसे जो पहले ये समाधि बनी जी महाराज जी आए, इनने देखा कि यहाँ कुछ पीपा को जला है तो इनने इसका देख रेख करना शुरू कर दिया, तो बराबर वो वर्तमान भी चलता जा रहा है। अखंड ज्योति बोलते हैं इसको। इसी से ही यहाँ अखंड ज्योति जल गया, धुना जल गया, समझ लो कि वहाँ तपोभूमि सत्य है।